हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एप्पल ने एक अपडेट रिलीज़ किया है, iOS 17.4 डेवलपर बीटा 1 अपडेट है, जिसका साइज़ है 6.08 GB। एंड यहां पर गाइज, इस अपडेट में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आप लोगों को शायद पसंद आए और कुछ लोगों को ये पसंद ना आए। सीन क्या है गाइज, अभी हम अपने आईफोन में क्या करते हैं, जो ऐप स्टोर में मिलता है उसी से ऐप जो है डाउनलोड करते हैं। इससे हमारे आईफोन को जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, बहुत ही सही रहता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है अभी इस अपडेट में एप्पल क्या करेगा कि आपको थर्ड पार्टी जो ऐप हैं वो आप जो है साइड लोडिंग जो है वो अनेबल कर दिए है। यहाँ पर अगर आपने आईफोन में ऐप स्टोर के अलावा कोई ऐप डाउनलोड करते थे तो नहीं होती थी गूगल वगैरह से, बट साइड लोडिंग ऐप का जो ये सीन है ये अभी आपको जो है एप्पल जो है देना शुरू कर देगा, जो है मार्च में इसका स्टेबल अपडेट आएगा तो उन लोगों के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए अच्छी है, काफ़ी लोगों को कह रहे हैं कि ये सही चीज़ नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होने चाहिए था। बात करेंगे यहाँ पर अभी की जो है कि आपके आईफोन में क्या होने वाला है, आपको ये चीज़ जो है अपना जो है आप इंडिया में रहते हैं तो आपको ये चीज़ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो अभी ये चीज़ गाइस जो है सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है। तो आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, यहाँ पर कुछ 44 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि रसिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन एंड यहाँ पर जो है ग्रीस, पुर्तगाल, हंगरी। सो यहाँ पर ये बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर इंडिया तो है नहीं, आपको पता है यूरोप में थोड़ी ना आता है। सो यहाँ पर जो है इन कंट्रीज़ में अभी ये लोग क्या कर सकेंगे, इनको ये बेनिफिट रहेगा इनकी जो है कि आप अपना जो है गूगल से और भी ऐप्स जो है डाउनलोड करके इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने इनको दबाव डाला था, तब जाके इन्होंने अपने आईफोन 15 सीरीज़ में टाइप सी दिया था। तो दबाव तो जो है गाइस यूरोपियन कंट्रीज़ ही डालते हैं एप्पल पे और तभी वो जो है चीज़ें चेंज करता है। एंड यहाँ पर अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये चीज़ अभी आपके लिए नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है जो एप्पल ये चीज़ जो है इंडियन यूज़र्स को भी दे दे। आप बताइए गाइस इस बारे में आपका क्या कहना है, यहाँ पर आप क्या चाहते हैं साइड लोडिंग अपने आईफोन में। मुझे लगता है ये फीचर जो है ठीक ठाक है, बट यहाँ पर आपकी जो है प्राइवेसी को जो है थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश है एक तरीके से। एंड यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो है पेमेंट, अभी एप्पल में हम जो एप्पल से ही करते हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें जो है और जो है ऐड हो जाएंगी, तो पेमेंट करने के जो तरीके हैं और भी ज़्यादा हो जाएंगे। सो आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए गाइस। अभी मैं इस अपडेट को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिक बीटा अपडेट जब आएगा, कल परसों तक आ जाएगा, तब मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। एंड यहाँ पर इस अपडेट में और भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारी इमोजीज ऐड होने वाले हैं, तो उन सबकी वीडियोज़ जो है आपको कल से परसों तक मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर डेवलपर बीटा मैं अभी जो है इंस्टॉल नहीं करूँगा, पब्लिक बीटा जब आएगा तब उसकी वीडियो बना के आप लोगों को मैं दे दूंगा। एंड यहां पर आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, साइड लोडिंग आपके इंडिया में होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। सो छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए इस वाली को, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड हां, 14 के ऊपर टेस्टिंग चल रही है, उसकी वीडियो शाम को 6:30 बजे के आसपास जो मैं अपलोड कर दूंगा। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहां पर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।